चले मेरी गाड़ी बैठेंगे सर, एक जगह तो आपकी गाड़ी लगा बैठे सर, उसमें बैठे हाँ जी गाड़ी जी ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। मौका मिलेगा नहीं मिला, चलिए अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, और अल्लाह ताला के सामने हम कौन होते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का रहा कि मैंने उस वक्त जो बारामूला पार्लियामानी हलकों के वोटरों से गुजारिश की थी, मैंने ये कहा था कि खुदारा आप जब अपना मेंबर चुनोगे यहां से पार्लियामेंट का, वो मेंबर चुनिए जो पार्लियामेंट के अंदर जाके आपके लिए बात कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर सके, जिसकी तकरीरों से आपके मुतालबे और मुश्किलात हल हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां एक जज्बाती कैंपेन चला, यहां नौजवान और खासकर नौजवान और हमारी माएं बहनें जो हैं वो जज्बात में बह गए, और नतीजा ये निकला कि आज अनंतनाग की नुमाइंदगी होती है, आज पुलवामा की नुमाइंदगी होती है, आज शुपैया में पार्लियामेंट का मेंबर है, आज श्रीनगर से पार्लियामेंट का मेंबर है, गांदरबल से पार्लियामेंट का मेंबर है, बड़गाम के चार असेंबली हलकों से पार्लियामेंट का मेंबर है, लेकिन आपका पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, आपकी आवाज वहां बुलंद नहीं होती। अब इस इलेक्शन में आपके पास मौका है कि कम से कम जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज नहीं रही, कम से कम आपके जज्बातों की तर्जुमानी, आपकी आवाज, आपके मुतालबे
आपके परेशानियां लेके आपका नुमाइंदा असेंबली में जाके आपके लिए बात कर सके, लड़ सके। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को हुकूमत बनने के बाद वहां मिनिस्टर बन के आपकी नुमाइंदगी कर सके। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमें तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, हमारी आवाज को यहां कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, हमें अलग अलग उम्मीदवारों के पीछे जो है लगाया जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम अगर तकसीम हुए, हम अगर बट गए, हमारे वोट अगर अलग अलग हो गए तो हमें नुकसान होगा उस बात का। लेकिन आप चलिए, पार्लियामेंट में जो हुआ सो हुआ, ये असेंबली इलेक्शन जो है जहां एक तरफ से हमारा फर्ज है कि हम आपके रोजमर्रा के मुतालबे हल करें, वहां दूसरे तरफ से हमने ये भी देखना है कि खुदा ना खास्ता 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ, हमारे हकूक जो हमसे छीने गए, हमारी शनाख्त जो हमसे ली गई, हमारे जमीनों को जो खतरा पड़ा, हमारे नौजवानों के रोजगार के हक को जो हमसे छीना गया, कहीं खुदा ना खास्ता इस पे असेंबली से मंजूरी की मोहर तो नहीं लगनी चाहिए। मेरे साथियों ने यहां तकरीर की और कहा ये बीजेपी वाले यहां वोट क्यों मांगते हैं, इनके उम्मीदवार नहीं है। हम उनके उम्मीदवार अपने मतलब सिंबल में नहीं होंगे, लेकिन जगह जगह बीजेपी ने यहां अपने उम्मीदवार किसी ना किसी जो है तंजीम के हवाले से मैदान में उतारे हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद ये है कि जम्मू का सारा वोट जो है वो बीजेपी को मिले, कश्मीर का वोट जो है वो तकसीम हो जाए और किसी ना किसी तरह बीजेपी की हुकूमत बने और उस हुकूमत के जरिए असेंबली से एक ऐसा रेजोल्यूशन वहां से पास हो, करारदाद पास हो, जिसके तहत ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त के फैसले को तस्लीम करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको 370 नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को 35A नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमीन पे जो है नहीं चाहिए, जो हुआ जम्मू कश्मीर के लोग उसको पसंद करते हैं। अब अगर आप रफियाबाद के लोग यहां से ये पैगाम भेजना चाहते हो बाकी दुनिया में, नहीं तो क्या मजबूरी थी इनको यहाँ, वो आज एक डेलीगेशन आया है बाहर के ये एम्बेसियों से, वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं, क्या जरूरत थी उनको यहां लाने की सिवाय ये कि वो यहां से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मुतमाइन है। ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है, ये डेलीगेशन रजौरी पुंछ में क्यों नहीं है? इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके मतलब आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाए और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा, खबरदार रहना पड़ेगा। इन्होंने वो लोग मैदान में उतारे हैं जिनका आज सही रूप जो है, सही शक्ल लोगों के सामने आ रही है। जिस शख्स ने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हराया, आज उसकी असलियत सामने आ रही है। जो आदमी कहता है कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों को सलाम करता हूं, जो आदमी कहता है कि मैं यासीन मलिक की फांसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा, दोबारा मुझे बताइए नाम ऐसे ऐसे लोगों को वो आज गले मिलता है जो श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारती, जो मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की जो है मांग करते हैं। अब मुझे बताइए नाब, हम इंजीनियर रशीद से के कहने पे जाएं या उसके करने पे जाएं? कहता है कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन चुन चुन के मैदान में उम्मीदवार वो उतारे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के इशारों पर यहां पर चले, और वो उम्मीदवार आपके हमसाये में है।
चाहे वो सुनबल से हो, चाहे वो बीरवा से हो, चाहे वो कहीं और से हो। कहने के लिए तो कहता है मैं दिल्ली के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन जब तकरीर होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और परसों इंटरव्यू के जरिए क्या कहा उसने, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद साहब को 2018 में बुलाया, उससे एक घंटे मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद को कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं 2018 में। गौर करिए इस बात पे, इंजीनियर रशीद साहब खुद तस्लीम करते हैं कि 2018 में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कहा कि मैं कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं। मैं मजबूर होता हूं पूछने पे इंजीनियर रशीद साहब से, जनाब अगर आपको 2018 में मालूम था कि 370 हटने वाला है, आप 2019 तक खामोश क्यों रहे? क्यों खामोश रहे? आपने किसके कान में डाला? हम में से किसी को कहा आपने? हम मिलके वकील करते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, सुप्रीम कोर्ट से कहते ना हमें लगता है खतरा है 370 को, आप हुकूमत को रोकिए इससे पहले कि वो कुछ करें। लेकिन वो खामोश रहे, एक साल खामोश रहे, और 2018 में उनकी खामोशी का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। आज भी मुझे एक जगह इंजीनियर साहब की तकरीर दिखाएं जिसमें वो ये कहता है कि वो बीजेपी के इलेक्शन के बाद मदद नहीं करेगा। एक जगह जिन नौजवानों ने उसको वोट डाला, जिन माओ बहनों ने उसको वोट डाला, जरा पूछे उससे क्या इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद करेगा या नहीं। अमित शाह साहब ने खुद कहा कि ये नेशनल कांग्रेस वालों, नेशनल और कांग्रेस वालों के अलावा अगर कल को हमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी हम बाकी पार्टियों से बात करेंगे। बाकी पार्टियों का मतलब कौन? अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी, आजाद उम्मीदवार। मतलब ये कि बीजेपी ने इन लोगों को पहले ही अपने खाते में गिनना शुरू किया है। अब रफियाबाद के लोगों ने तय करना है क्या आपको बीजेपी की हुकूमत चाहिए या अपनी हुकूमत चाहिए, आप लोगों की अपनी हुकूमत। यह फैसला आपने करना है क्योंकि पिछले 5-6 साल का हम आज भी खमियाजा भुगत रहे हैं। चलिए छोड़िए हमारी रियासत का दर्जा नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपना झंडा नहीं है, छोड़िए हमारे पास आईन नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपनी जमीन पे हक नहीं है। रोजमर्रा की परेशानियों का कब गिनना शुरू करिए ना। कौन सा ऐसा बेरोजगार नौजवान है जिसको पिछले 5 साल में रोजगार का ऑर्डर मिला हो? कहीं पे भी इन इलाकों में पुलिस की बढ़ती हुई? कहीं पे भी कोई नौजवान ऐसा है जिसको पिछले 5 साल में मुलाजमत का ऑर्डर मिला हो? आज नौजवान हमारे बेरोजगार परेशान। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर 8 अक्टूबर को अल्लाह ने चाहा और आपके वोट हमें हासिल हुए और हमारी हुकूमत बनी, हम पहले दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां यहाँ के नौजवानों को देना शुरू करेंगे। यहाँ कौन सा ऐसा घर है जो बिजली को लेके परेशान नहीं है? बिजली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट और बिजली का बिल आपको वक्त में मिलता है। बिजली की फीस जब जावेद साहब आपके एमएलए थे 200-250-300 रुपए महीने से ज्यादा नहीं, आज बिजली का बिल 1800-1900-2000 रुपए से कम आपकी बिजली की बिल आती नहीं है। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। यहाँ इलेक्शनों में हमारे मुखालिफ गैस के चूल्हे बांटते हैं। अरे गैस का चूल्हा बांटना बहुत सस्ता है ना, गैस का सिलेंडर देखो क्या हाल है। आज 1700-1800 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है।
यहाँ लोगों को चूल्हा मिलता है लेकिन उस चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं होते वो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम 12 सिलेंडर मुफ्त गैस बांटेंगे उन घरों में जहां ये चूल्हे नहीं जलते। राशन की बात करें, जब जावेद डार साहब आपके एमएलए और मिनिस्टर थे, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी मिलती थी, राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन का स्केल होता था इतना कि उस राशन पे आपका गुजारा होता था। आज राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है ना मिट्टी का तेल मिलता है, और स्केल आज राशन डिपो से आपको 2.5-3 किलो उसके अलावा मिलता नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी 8 अक्टूबर के बाद, जब आपकी दुआओं के नतीजे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, हम जम्मू कश्मीर में दोबारा एक तरक्की का दौर, एक अमन का दौर, एक भाईचारे का दौर, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के साथ पकड़ पकड़ ना हो, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के खिलाफ FIR ना लगे, एक वो दौर जिसमें PSA का कानून जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, एक वो दौर जब हम बाहर जेलों में जो सड़ रहे नौजवान उनको वापस लाके यहाँ छोड़ने का काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह वो दौर आएगा और 8 अक्टूबर के बाद आएगा, लेकिन आज सिर्फ आपसे एक मौजबाना गुजारिश करके आपसे इजाजत लूंगा कि 1 अक्टूबर को यहाँ वोट डालने का दिन है, मेहरबानी करके सुबह सवेरे पोलिंग बूथ में जाएं, बिस्मिल्लाह करें, हल्का बटन ढूंढिए और जावेद साहब को और मुझे आप अपनी नुमाइंदगी और अपनी खिदमत करने का मौका दे दीजिए। यही मेरी गुजारिश है, यही गुजारिश करने में यहाँ आया हूँ।